नमस्कार सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है टॉप 10 का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। राहुल गांधी बोले, बीजेपी एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाती है। पीएम मोदी पर हमला कर वैसी बोले, 10 साल से हम सेफ नहीं है। दिल्ली के बदरपुर में बेटे ने की मां की हत्या, कनाडा जाना चाहता था आरोपी। 14 कोसी परिक्रमा आज से होगी शुरू, 20 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना। अखिलेश यादव बोले, नोटबंदी बीजेपी का सबसे बड़ा घोटाला है। बीजेपी पर खड़गे का हमला, बोले सच्चाई ये है कि बांटने वाले भी आप हैं और काटने वाले भी आप। शरद पवार बोले, चुनाव को जातिवाद की ओर ले जाने के लिए ही सीएम योगी को महाराष्ट्र में लाया जा रहा है। नीतीश कुमार बोले, मैंने मुस्लिम समुदायों के लिए भी काम किया, वो विपक्ष के चक्कर में ना पड़े। बलूचिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन के पास धमाके में 4 की मौत, 30 लोग हुए घायल। महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस ने एक कार से जब्त किए 3.70 करोड़ रुपए। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।